आई एम नागपुर की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि एक बहुत ही सुंदर कैंपस आज यह हमें देखने को मिला और आदरणीय राष्ट्रपति जी के हाथों से इस कैंपस का उद्घाटन हुआ। मैं ऐसा मानता हूँ कि एक रिकॉर्ड स्पीड में हमारी नागपुर आईआईएम की टीम ने इस काम को पूरा किया है और इसलिए निश्चित रूप से हम सब मिलकर उनको बधाई देते हैं, साथ ही में फैकल्टीज़ को और स्टूडेंट्स को भी हम सब मिलकर बधाई देते हैं। भारत के दृष्टा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 साल पहले एक सपना देखा, भारत में वैश्विक मानव संसाधन तैयार हो, और वैश्विक मानव संसाधन तैयार करने के लिए हमारे युवाओं को अवसर मिले, इसलिए देश की जो आइकॉनिक नेशनल इंस्टीट्यूशंस थी उसके विस्तार का निर्णय उन्होंने लिया और उसी निर्णय के तहत महाराष्ट्र को भी एक आईआईएम मिलेगा, इस प्रकार की घोषणा तत्कालीन मंत्री स्मृति ईरानी जी ने की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उसी सपने को नागपुर और विदर्भ में साकार करने का निर्णय आदरणीय गडकरी जी के नेतृत्व में हम सबने लिया और मुख्यमंत्री के तौर पर मुझे मौका मिला तो नितिन जी से चर्चा करके हमने ये आईआईएम नागपुर में हो इसका प्रस्ताव भेजा। मैं इसलिए ये बताना चाहता हूँ कि आईआईएम नागपुर में मंजूर होने के बाद कुछ लोगों ने इस पर विवाद भी किया, किसी ने कहा औरंगाबाद का प्रस्ताव था, किसी ने कहा नासिक का प्रस्ताव था। प्रस्ताव केवल एक ही गया था और वो नागपुर का ही गया था और नागपुर के ही प्रस्ताव को मान्यता मिली। और सबसे पहले नागपुर ने ही आईआईएम को शुरू किया। 2015 में तकरीबन जुलाई में बीएनआईटी में इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद तुरंत ये ज़मीन करीब 150 एकड़ हमने नागपुर के आईआईएम को उपलब्ध कराई और प्रधानमंत्री जी के हाथों से भूमि पूजन हुआ और रिकॉर्ड समय में एक स्टेट ऑफ आर्ट इस प्रकार की बिल्डिंग यहाँ पर तैयार हुई और आज उसका लोकार्पण हो रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि नए भारत की जो कल्पना है उस कल्पना को प्रत्यक्ष रूप में लाने का काम नागपुर आईआईएम इस बिल्डिंग के माध्यम से कर रहा है। नागपुर में नितिन जी के तत्वावधान में हमने यहाँ पर एम्स लाया, एम्स को भी करीब 200 एकड़ जमीन हमने दी, बाजू में ही एम्स है, वहाँ पर भी बहुत सुंदर एम्स का निर्माण हो रहा है। ट्रिपल आईआईटी हो, नेशनल लॉ स्कूल हो, जो शिक्षा के क्षेत्र के सर्वोत्तम और आइकॉनिक नेशनल इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं उन इंस्टीट्यूट्स को नागपुर में लाने का काम यहाँ पर हम लोगों ने किया। और प्राइवेट सेक्टर में भी जो लोग अच्छा काम करते हैं, चाहे वो सिम्बायोसिस हो या और कोई इंस्टीट्यूट हो, उसको भी प्रोत्साहित करने का काम यहाँ पर हुआ और नितिन जी ने उसमें पहल की और आज नागपुर एक प्रकार से एजुकेशन का हब बना है। हम सभी लोग जानते हैं कि इंडस्ट्री वही आती है जहां मानव संसाधन होता है और मानव संसाधन ये आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम लोग जब तक वैश्विक स्तर का तैयार नहीं करते, आज देर कैनॉट बी एनी कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी में जब कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा तभी हम लोग दुनिया की इंडस्ट्री को अट्रैक्ट कर पाएंगे। और मेरा पूरा विश्वास है
नागपुर आईआईएम ने अपने कम समय में कई मानकों को छुआ है और आने वाले दिनों में एक ऐसा मैग्नेट बनेगा जो इंडस्ट्री को हम तक लाएगा और साथ साथ नागपुर को भी वैश्विक इस प्रकार की एक प्रतिमा प्रदान करेगा और मेरा विश्वास है कि वो दिन बहुत जल्द हमको देखने को मिलेगा। मैं आज के इस मौके पर हमारे सारे फैकल्टीज़ का, स्टूडेंट्स का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। इतना अच्छा कैंपस यहाँ पर बना है और मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में इस कैंपस के माध्यम से मैनेजमेंट के क्षेत्र में बहुत नई पहल और नया नवाचार यहाँ पर किया जाएगा और हमारे शहर के लिए, विदर्भ के लिए, महाराष्ट्र के लिए और देश के लिए जो बातें गौरवपूर्ण होगी, ऐसी बातें इसी कैंपस से निकलेगी। इस विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आईआईएम नागपुर का बहुत दिल से अभिनंदन करता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ और आभार इसलिए भी व्यक्त करता हूँ क्योंकि मैं अभी नितिन राउत जी को कह रहा था कि नागपुर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सेटअप करने का हमने तय किया, तो हमने ज़मीन भी दी, 600 करोड़ रुपए भी हमने दिए, लेकिन न उसके भूमि पूजन में किसी ने बुलाया, न उद्घाटन में वहाँ पर बुलाया गया। वैसे हमारे शहर की शान तो उसके कारण बड़ी है और इसलिए हमको बुलाया या नहीं बुलाया, लेकिन शहर को इस प्रकार की इंस्टीट्यूशन मिलना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन आईआईएम वाले भूले नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और नागपुर की तरफ से हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।